नमस्कार दोस्तों, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि सर मार्केट क्रैश हो रही है, क्या करें। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा रामबाण देने वाला हूं जो आपको किसी भी सिचुएशन के अंदर में बाजार से बिल्कुल हिलने नहीं देगा। एक बात बताएं, सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूं कि क्रैश और करेक्शन में अंतर क्या है। अगर आपको मालूम है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए ताकि मुझे समझ में आए कि आपको उसकी कितनी नॉलेज है। देखिए, ऐसा कोई सेट फार्मूला नहीं है, ऐसी कोई बुक नहीं है, रूल बुक नहीं है कि 30% को करेक्शन कहते हैं, 40% को क्रैश कहते हैं, 70% को महा क्रैश कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्रैश का मतलब है कि अगर एक शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर में पिछले पुराने गेन्स खत्म हो जाएं, जैसा COVID-19 के टाइम पे हुआ था। अगर हम COVID-19 में निफ्टी को देखने की कोशिश करें, वहां पे क्या हुआ था, ये जितने भी गेन्स थे सिर्फ कुछ दिनों के अंदर में, फरवरी से लेके मार्च के बीच में, मतलब एक महीने के अंदर में मार्केट 12,400 के लेवल से गिर के 7,500 के लेवल पे आ गई। मतलब मोटा मोटा 40% से ज्यादा की करेक्शन। ये करेक्शन नहीं थी, क्रैश था, क्योंकि ओवरनाइट हुआ। मतलब ओवरनाइट मतलब बिल्कुल एक सेट दिनों के अंदर में, कुछ दिनों के अंदर अंदर में मार्केट ने पुराने जितने भी गेन्स थे, मतलब बाजार ये जो चला था, देखिए यहां से यहां तक बाजार गया था और ये पूरे गेन्स मार्केट के यहां धुल गए थे। मैं थोड़ा मार्क करके दिखाता हूं। यहां से जब बाजार चला, यहां तक का एक हाई लगाया बाजार ने, ये सारे गेन्स धुल के यहां पे साफ हुए, पूरे गेन्स एक झटके में साफ हुए। इसे कहा जाता है क्रैश। और ये जो चलती रहती चीजें हैं, इनको कहा जाता है करेक्शंस। जो बाजार में ऊपर जाना, नीचे आना, फिर ऊपर जाना, फिर नीचे आना, फिर ऊपर, फिर नीचे, ऊपर नीचे, फिर थोड़ा ऊपर गए, कंसोलिडेशन हुआ, फिर ऊपर गए, फिर थोड़ा सा नीचे आने लगा, ये दीज आर कॉल्ड एज करेक्शंस। क्योंकि करेक्शंस स्लो होती हैं, क्रैश सडन होते हैं। पहले समझ लीजिए, आई होप यू नाउ यू नो द डिफरेंस बिटवीन क्रैश एंड करेक्शंस। अब समझते हैं, बाजार क्रैश हो तो क्या करें, बाजार के करेक्शंस में क्या किया जाए। पहले दोनों सिचुएशंस को समझ गए आप लोग। दोनों ही सिचुएशंस में बाजार डाउन ट्रेंड में होता है। क्रैश होता है किसी भी न्यूज के ऊपर में, कोई घटना हो, कोई दुर्घटना हो, बड़ी कोई कैलमिटी हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर 2019 की बात की जाए, वहां पे COVID-19 ने पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को हिला के रख दिया। एक ऐसा वायरस जिसने लोगों को तहस नहस करके रख दिया और उसी के साथ में हमारी इकोनॉमीज डिस्टर्ब हो गई। इकोनॉमीज को पता था कि हाँ, बड़े लोगों को पता है, मैंने आपको क्या कहा, हमेशा कहता हूँ मार्केट इज फॉरवर्ड लुकिंग। ये मार्केट कौन है, मार्केट कोई नहीं है, दीज FIs, FPIs, बिग गवर्नमेंट्स, जो बाजार के 4-5% प्लेयर हैं, जो बाजार को चलाते हैं, यही लोग हैं। जो कार्टेल है, सिंडिकेशन है, ये ब्लैक मार्केटिंग, ब्लैक का पैसा, मनी लॉन्ड्रिंग, ये सब स्टॉक मार्केट में आता है पी नोट्स के थ्रू। हमारे हिंदुस्तान में, वर्ल्ड में भी ऐसा ही किसी तरह से जाता होगा, कोई ना कोई जरिया सबने बना के रखा होगा अपनी मार्केट्स में ऐसे पैसे को रोटेट करने के लिए। हम अपने हिंदुस्तान की बात करते हैं। तो जब 2019 में मार्केट को पता था, FIs को पता था कि हाँ, ये सिनेरियो कम से कम 1.5-2 साल चलने वाला है, तो उन्होंने क्या किया, सारा पैसा डंप किया, सारा माल डंप किया। क्यों, ऐसा करने से क्या होता है, उनको नुकसान कभी नहीं होते, क्योंकि वो अपने आप को हेज करके रखते हैं, जिसके हम जिसको हम हेजिंग कहते हैं, पर असल मायने में वो हेजिंग नहीं होती है, वो पोजीशंस बना के रखते हैं ऑप्शंस को बाय करके और ऑप्शंस को राइट करके। मैंने आपको हमेशा से कहा है, देखिए समझ लीजिए, ये भी समझना बहुत जरूरी है कि ऑप्शंस की अपनी कोई भी वैल्यू नहीं होती है। दे आर डेरिवेटिव्स, दे आर इनहेरिटेड, देयर वैल्यू इज इनहेरिटेड फ्रॉम देयर पेरेंट। उनका पेरेंट कौन है, कौन है उन बच्चों का माई बाप, दो बच्चे हैं, एक कॉल और एक ऑप्शन, उनके माँ बाप हैं फ्यूचर ऑप्शंस नहीं, इक्विटी। जी हाँ, इक्विटी ही उनका माँ बाप है। अगर इक्विटी में चाल आएगी तो ऑप्शंस में चाल आएगी, सीधी सी बात है, और इक्विटी गिरेगी तो ऑप्शंस गिरेगी। एक बात बताइए, कॉल कब बढ़ती है, कॉल का भाव जब बढ़ता है जब इक्विटी तेज होती है, निफ्टी तेज हो गई इसलिए कॉल का भाव बढ़ गया। क्या अभी आपने सुना है कि निफ्टी गिर गई क्योंकि कॉल गिर गई थी, नहीं, कॉल इसलिए गिरी क्योंकि निफ्टी गिरी थी। निफ्टी कौन है, पेरेंट है। निफ्टी में क्या है, 50 शेयर्स हैं, 50 शेयर्स में से अगर मेजर शेयर्स गिरेंगे तो निफ्टी गिरेगी, निफ्टी की कॉल भी नीचे आ जाएगी। ऐसे किसी भी स्टॉक के बारे में होता है, फॉर एग्जांपल रिलायंस 2000 से 2500 हो जाता है, 2000 से 2500 हो जाता है, तो 2000 वाली कॉल 500 रुपये इफेक्टिवली बढ़ जानी चाहिए क्योंकि 2500 का भाव हो गया, एट पार आ जाएंगे जब एक्सपायरी की हम बात करने वाले हैं ना। बीच में उसके अंदर टाइम वैल्यू भी होगी, वोलेटिलिटी भी होगी, इंटरेस्ट फैक्टर भी होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी, बट अगर हम एक्सपायरी टू एक्सपायरी की बात करने की कोशिश करें तो जितनी भी कॉल्स या पुट्स हैं सब सेटल हो जाती है भाव के साथ में आके। ऐसा ही होता है ना, क्योंकि उनकी अपनी वैल्यू खत्म हो जाती है जब एक्सपायरी हो जाती है। इक्विटी की वैल्यू खत्म नहीं होती, इक्विटी चलती रहती है, उसकी फ्यूचर्स की वैल्यू खत्म हो जाती है। तो यहाँ पे समझने वाला गेम है, जब इन बड़े लोगों को पता होता है, अगर आपको याद हो, अगर आप थोड़ा रिसर्च करने की कोशिश करें
तो पेंडेमिक स्टार्ट होने से पहले एक ड्रिल हुई थी यूएस में, जिसका एक पूरा एक रिकॉर्डिंग तक हुआ था, बहुत सारे न्यूज चैनल्स ने भी उसको दिखाई दिया था, बाद में उस वीडियो को यूट्यूब से हटा दिया गया था। वहां पे उन्होंने ये ड्रिल किया था कि आने वाले दिनों में, अक्टूबर में वो ड्रिल हुई थी, अक्टूबर 2019 में वो ड्रिल हुई थी कि हाँ आने वाले 2 से 3 महीने में एक पेंडेमिक क्रिएट किया जाएगा, पेंडेमिक आएगा, बीमारी आएगी, इतने लोग वर्ल्ड वाइड इन्फेक्ट होंगे, इतने लोग मरेंगे, ये सब रिहर्सल्स किए गए थे। न्यूज चैनल्स वाले न्यूज कैसे देंगे, सब चीजें की गई थी। गाइस आई होप आप लोगों के पास वो लिंक होगा, नहीं होगा तो इसे ढूंढ के कभी डाल दूंगा, बट डर लगता है कभी कभी ये सब चीजें करने में, क्योंकि यूट्यूब के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। अब कहानी क्या आती है, जब ऐसे लोगों को पता होता है FIs, FBIs को कि बाजार में सेलिंग आने वाली है, बाजार में एक पैंडेमिक आने वाला है, बाजार में लड़ाई होने वाली है, बाजार में कोई भी घटना है, दुर्घटना होने वाली जो बाजार के अगेंस्ट है, एंटी है ना, इन्फ्लेशन बढ़ गई है, फेड रेट घटाने वाला, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग कॉल्स नहीं करते, ये लोग पुट्स खरीदते हैं, साथ में कॉल्स की राइटिंग स्टार्ट हो जाती है, दोनों तरफ की पोजीशंस बनाई जाती है। ऐसे टाइम पे अगर वो इक्विटी छोड़ भी दे, पूरा का पूरा माल इक्विटी डंप भी कर दे, क्योंकि इक्विटी में शॉर्ट सेलिंग नहीं होती, इक्विटी में आपको डिलीवरी ही बेचनी होती है, फ्यूचर्स में शॉर्ट सेलिंग हो सकती है, काफी टाइम से वो भी बैन थी। अब ये समझ लीजिए कि जब उनको मालूम है कि ये सिचुएशन क्रिएट होने वाली है, माल छोड़ा जाएगा, इक्विटी को बेचना है, पोजीशंस बनी हुई है, बड़ी हैवी पोजीशंस है, हजारों हजारों लाखों लाखों करोड़ की पोजीशंस है, तो बेचने से पहले वो हमेशा से अपनी कॉल पुट में पोजीशंस बनाते हैं, जिसको कहते हैं ओपन इंटरेस्ट, क्रिएटिंग द ओपन इंटरेस्ट। तो ऐसा कभी नहीं होता कि इक्विटी की चाल को देख के वो लोग कॉल या पुट में पोजीशंस बनाते हैं, जी नहीं, वो पोजीशंस आप और हम बनाते हैं, हम भागते घोड़े को पकड़ने की कोशिश करते हैं, हमको लगता है कि चलो भाई निफ्टी भाग रही है, इसकी कॉल पकड़ लो, अच्छी बात है, ठीक है, अगर मौका लगे तो पकड़ लेना चाहिए, बट खिलाड़ी कौन है, खिलाड़ी हैं FIs, बड़े बड़े हेज फंड्स, ये लोग क्या करते हैं, ये अपनी पोजीशंस बनाते हैं, पोजीशंस बनाने के बाद में फिर ये इक्विटी खरीदते या बेचते हैं। अगर लगता है इनको इक्विटी खरीदनी है, माहौल अच्छा आ गया, बजट अच्छा आ गया, ये अच्छा वो अच्छा, सब कुछ अगर इनके फेवर का है, इनको लगता है कि आने वाले टाइम में बहुत मजा आने वाला है, बहुत पैसे बनने वाले हैं, तो ये लोग कॉल्स खरीदते हैं और पुट बेच देते हैं, ये पोजीशंस बनाते हैं। आप और हम क्या करते हैं, हम सीख रहे होते हैं, कुछ करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लर्न द साइकोलॉजी ऑफ बिग ट्रेडर्स। गाइस अगर आप FIs FPIs की पोजीशंस को देखो, मुझे ये ज्ञान कहीं से नहीं मिला, मेरा ये सब तुक्का आप समझ लीजिए, मेरा अपना एनालिसिस है, मेरी अपनी समझ है, मेरी अपनी सोच है, किसी बुक में ये नहीं लिखा हुआ है, कहीं नहीं मिलेगा आपको, गूगल करेंगे नहीं मिलेगा, कोई प्रूफ नहीं है, बट ये मैं समझता हूं, मैंने बाजार को देखा, 20 साल से बाजार में हूं, पहले मैंने बहुत बड़े बड़े ब्रोकर्स के साथ में काम किया है, चाहे वो मोतीलाल ओसवाल हो, रैलीगर हो, इंडिया बुल्स हो, बहुत से अच्छे कार भी हो, किसी भी बड़ी कंपनी के साथ में काम कर चुका हूँ, आनंद राठी हूँ, ये सब देखने के बाद, ये गेम देखने के बाद, ये गेम क्या है, क्यों हो रहा है, लोगों को कैसे पागल बनाया जाता है, तब मैं इस बिजनेस के अंदर आया था कि हाँ मुझे अपनी ट्रेडिंग भी करनी है, साथ में ट्रेनिंग भी करनी है। आप भी एक ट्रेडर बन सकते हैं, आप भी एक ट्रेनर बन सकते हैं मेरी तरह और बाकी लोगों की तरह से, अगर बाजार सीख जाते हैं तो आप सिखाइए, लोग सीखने के लिए बैठे हैं, ये बहुत बड़ा बिजनेस है गाइस, लोग कह सकते हैं आपकी ट्रेनिंग की इनकम भी है तो है, क्या करें, मुझे सिखाना आता है, वो स्किल मेरे अंदर है, लोगों को उसकी ज़रूरत है, जो स्किल आपके अंदर है अगर उसकी लोगों को ज़रूरत है तो आप लोगों तक ज़रूर पहुंचिए, आप भी पैसा कमाएंगे, लोग भी आपके थ्रू पैसा कमाएंगे। अब समझने वाला गेम क्या है, अगर आप शॉर्ट साइटेड हैं, अगर आप ये देख रहे हैं कि आज कौन सी ऑप्शंस लूं पैसा आ जाए, गलत अप्रोच है। जब मार्केट क्रैश होती है आपको क्या करना चाहिए वो समझेंगे, जब मार्केट करेक्शन में हो तब क्या करते हैं वो समझते हैं। जब मार्केट क्रैश होती है तो आपको चारों तरफ से पैसा इकट्ठा करना चाहिए, अपने रिश्तेदारों से, बैंक से, जिससे पैसा मांग सके, मार्केट क्रैश में पैसा मांगिए, क्योंकि अगर किसी भी क्रैश को अगर आप देखेंगे वो क्रैश 1 साल से ज्यादा सस्टेन नहीं करता, विद इन मंथ्स एक तगड़ा बाउंस बैक आता है हमेशा। क्रैशेस आर वी शेप रिकवरीज, हमेशा वी शेप रिकवरी होती है क्रैशेस के अंदर में। तो अगर मार्केट क्रैश कर रहा हो, क्रैश का मतलब है ऑल ऑफ अ सडन मार्केट में 5-5, 10-10% बाजार नीचे जा रहा है और लगातार क्रैश हो रहा है, फाइंड आउट दैट इंपॉर्टेंट सपोर्ट, पैसे के सोर्सेज इकट्ठे करो भाई। मैं आपको कहता हूँ पता होना चाहिए कौन से दोस्त से पैसा मिल सकता है, कितने दिन के लिए, साल भर के लिए, बिना ब्याज का मांगने की कोशिश करो कि भाई 1 साल तक के दिल से बड़ा जरूरत है, बैंक से लेने की कोशिश करो मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर में, अगर मिल जाए किसी से छोटा मोटा जो भी आपको सेटिंग कर सकते हैं सेटिंग करो क्रैशेस के टाइम पे। करेक्शंस में आपको पैसा नहीं लगाना, करेक्शंस में आपको सपोर्ट्स ढूंढने हैं, इमीडिएट सपोर्ट्स ढूंढने हैं, क्योंकि करेक्शंस में बाजार हमेशा अपने इमीडिएट सपोर्ट से बाउंस करता है, जैसा अभी हो रहा है। क्रैशेस में हर सपोर्ट टूटते हैं, इसलिए आप मेजर सपोर्ट ढूंढने की कोशिश कीजिए। मेजर सपोर्ट ढूंढने के लिए आपको क्या करना होगा, फॉर एग्जांपल हम निफ्टी के डेली चार्ट पे अगर देख रहे हैं तो हम इमीडिएट सपोर्ट्स की बात कर रहे हैं। अगर हमको मेजर सपोर्ट ढूंढने तो हमको उसको वीकली सपोर्ट्स ढूंढने होंगे। वीकली सपोर्ट क्या दिखाई देता है, 16,800 जहां कल बाजार बंद हुआ था, यहां से बाजार को एक अच्छा खासा सपोर्ट मिला, देखिए। फिर उसके बाद आपको मंथली सपोर्ट ढूंढना है। अब मंथली सपोर्ट आपको क्या कहता है निफ्टी का, मंथली कहता है भाई ये तो सपोर्ट है ही है, उसके बाद यहां सपोर्ट आता है कहां पे, 15,000 के आसपास में। तो अगर मंथली 16,800 का भाव टूट जाता है, 16,400 का भाव टूट जाता है, तो 15,000 से पहले आपको बाजार में रुकने को नहीं देगा, बाजार पूरी सेलिंग 15,000 के आसपास बाजार को लेके आ जाएगी। तो यहां पे 15,000 के आसपास आपको पैसा लगाना है, डरना नहीं है कि 12,000 आ जाएगा, 12,000 आ जाएगा तो गोल्डन टाइम होगा, ध्यान रखना। तो इसलिए पहले हम समझेंगे क्रैशेस को,
फिर करेक्शंस को, क्रैशेस आर सडन फॉल इन इक्विटी मार्केट्स ड्यू टू न्यूज, किसी भी न्यूज की वजह से. करेक्शंस आर ऑलवेज गुड फॉर द मार्केट. ये बिल्कुल वैसा ही है कि जैसे मैंने आपको बोला है कि किसी बॉक्स में अगर आप फॉर एग्जांपल दाल डालते हैं ना, और फिर बाद में हल्का सा उसको ठोक देते हैं, हिला देते हैं, तो क्या होता है, बेस स्ट्रांग हो जाता है और दाल अपनी जगह बना के थोड़ा सा ऊपर में स्पेस बन जाता है, फिर स्पेस को आप रीफिल कर सकते हैं. ऐसा ही होता है ना. तो बाजार भी अपने आप को शेक करता है, अपने सॉलिड करता है, अपनी बेसमेंट्स को, अपने बेसिस को, अपने सपोर्ट्स को सॉलिड करने की कोशिश करता है. और गाइस समझ लीजिए, जिस दिन आप इंस्टीट्यूशंस को समझ जाएंगे उस दिन खेल होने वाला है. आने वाली क्लासेस में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स को हम बहुत जल्दी कवर करने वाले हैं. इंस्टीट्यूशंस कैसे काम करते हैं, क्यों करते हैं, कहाँ करना चाहिए, इंस्टीट्यूशंस के ऊपर बड़ा काम करने वाले हैं हम लोग. आप समझिए, सीखने की कोशिश कीजिए. मैं भी सीखता हूँ, समझता हूँ, फिर आपके सामने किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करता हूँ मैं. आप भी वो कर सकते हैं जो मैं करता हूँ. तो क्रैशेस में क्या करना है, पैसा इकट्ठा करना है. करेक्शंस में क्या करना है, अपने पैसे को मनी मैनेज करना है. मतलब आपको सारा पैसा एक भाव पे नहीं लगाना, हर छोटे सपोर्ट्स पे आपको करेक्शंस को डेली चार्ट पे स्टडी करना है. हर छोटे सपोर्ट पे पैसा लगाइए, फिर आपको एक एग्जिट मिल जाएगा. फिर एक सपोर्ट पे पैसा लगाइए, फिर एक एग्जिट मिलेगा. फिर एक सपोर्ट पे पैसा लगाइए, फिर आपको एक एग्जिट मिलेगा. हम हमेशा सपोर्ट से पैसा लगाएंगे, आप रेजिस्टेंस के आसपास में निकल सकते हैं क्रैशेस में. अब वेट कीजिए पैसे को चार गुना करने के लिए, क्योंकि वहां पे पैसा वी शेप रिकवरी करता है, बहुत फास्ट रिकवरी आती है. बट आपके पास में हमेशा तैयारी होनी चाहिए, बैकअप प्लान होने चाहिए. अगर आपको लग रहा है कि हाँ वॉर हो ही जाएगी, तो आप पैसा इकट्ठा करना शुरू कर दीजिए. दोस्तों को बोलना शुरू कर दीजिए, रिश्तेदारों को बोलना शुरू कर दीजिए, अपनी FDs इकट्ठी करनी स्टार्ट कर दीजिए, बैंक में डटो लीजिए क्या पड़ा हुआ है, सब इकट्ठा करेंगे तो मार्केट जो रिटर्न्स निकाल के देगी, कोई भी एसेट क्लास आपको रिटर्न्स नहीं निकाल के दे सकती. आप देखिए साइंस क्या कहती है, जब एक बॉल गिरती है तो सपोर्ट को टकरा के एक छोटा सा बाउंस जरूर लेती है. वो छोटा सा बाउंस भी आपको स्टॉक मार्केट में बड़ी जबरदस्त पैसे कमा के दे सकता है, बहुत अच्छी रिटर्न्स दे सकता है. तो माय डियर फ्रेंड्स, करेक्शंस हो चाहे क्रैशेस हो, पहली चीज डरना मना है. दूसरी चीज, चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को हिट रखिए. और तीसरी चीज, इन वीडियोस को दोस्तों से शेयर करना मत भूलिए, ताकि कोई भी ना डरे बाजार में. और पैसा इकट्ठा करिए, मनी मैनेज कीजिए, बाजार में डरना बिल्कुल नहीं है. जितना आप पैसा लगाएंगे बाजार में उतने ही रिवार्ड्स आपको मिलने वाले हैं. आई होप आपको थोड़ा बहुत मोटिवेट कर पाऊंगा. अगर आप मुझे मोटिवेट करना चाहते हैं, एक लाइक प्रेस कर दीजिए, मैं मोटिवेट हो जाऊंगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मिलते हैं किसी नई इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के अंदर में. टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद.